हेलो एंड वेलकम गाइस, आप भी अपने रक्षक प्राण और आप देखना स्टार्ट कर चुके थोड़ा अंडर एस्टिमेटेड और बहुत से प्यारे कॉलेज का रिव्यू, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर। इस वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर कट ऑफ, टॉप रिक्रूटर, फीस, सारा कुछ कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के भी शेयर करना ना भूलें। तो सबसे पहले बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो जी ई सी बिलासपुर में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आप लोग को जे ई मेन्स का एग्ज़ाम और या फिर छत्तीसगढ़ प्री इंजीनियरिंग टेस्ट का एग्ज़ाम देना होगा। उसके बाद आप लोगों को टी टी ई काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट करने के बाद आप लोगों को एक सीट अलॉट कर दी जाएंगी जी ई सी बिलासपुर में। और जी ई सी बिलासपुर काफ़ी पुराना कॉलेज है, मीन छत्तीसगढ़ का वन ऑफ द मोस्ट बोल सकते हो आप इंजीनियरिंग कॉलेज में, उतना ज़्यादा पुराना है। इस्टेब्लिश ईयर 1964 है इसका, तो आप अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं कि कितना पुराना है। कैंपस एरिया की बात करें तो कैंपस एरिया 170 acres में फैला हुआ, जो कि एक डिसेंट कैंपस माना जाता है इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए। और एफिलिएशन की बात करें तो जी ई सी बिलासपुर एफिलेटेड है स्वामी विवेकानंद टेक्निकल यूनिवर्सिटी भिलाई से। वहीं कोर्सेज ऑफर इन बी टेक इन जी ई सी बिलासपुर, फर्स्ट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सेकेंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, थर्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फोर्थ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, उसके बाद फिफ्थ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिक्स सिविल इंजीनियरिंग और सेवन्थ माइनिंग इंजीनियरिंग। वहीं इंटेक की बात की जाए तो 260 पर ईयर इंटेक है इस कॉलेज का। और आपको फैसिलिटीज यहाँ पे इस कॉलेज में टीचिंग फैसिलिटीज मिलने वाली है, जैसे कि बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, और ज़्यादा फैसिलिटीज का एक्सपेक्टेशन मत रखिएगा। बस नाम का रहने वाला है, ये फैसिलिटीज रहने वाला है, बस इतना ही कुछ है इस फैसिलिटीज़ के हिसाब से। मतलब क्योंकि मैं कैंपस खुद घुमा हुआ हूँ तो वो कुछ ज़्यादा देखने को मिला नहीं, नाम का सारा चीज़ बना हुआ है लेकिन उतना ज़्यादा हाई रेटेड है नहीं जितना कि बताया जाता है। वहीं अगर फर्स्ट ईयर फ़ी की बात किया जाए तो फर्स्ट ईयर फ़ी 12,725, फोर ईयर टोटल फी 50,900 टोटल फी होने वाला है। और उसमें से भी आप लोगों को छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जो है स्कॉलरशिप हर साल प्रोवाइड करती है, तो आप एक तरीके से मान के चलो तो आपका जो फ़ी है वो ज़ीरो हो जाएगा, मीन्स फी खर्च नहीं होने वाला है। कट ऑफ देख लेते हैं, इसके बाद कट ऑफ देखने वाले हम लोग छत्तीसगढ़ प्री इंजीनियरिंग टेस्ट कट ऑफ 2023, जो कि बॉयज़ का कट ऑफ है ना, काफ़ी कैटेगरीज में कट ऑफ बटा हुआ है, तो हम लोग सिर्फ बॉयज़ का कट ऑफ देखने वाले हैं। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जनरल के लिए ओपन होता है 68.42 पे, वहीं पर क्लोज होता है 66.46 पे। ओबीसी ओपन होता है 66.53 पे, क्लोज होता है 64.55 पे। एससी कैटेगरी ओपन होता है 59.40 पे, एसटी कैटेगरी ओपन होता है 47.32 पे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जनरल के लिए ओपन होता है 61.38 पे, क्लोज होता है 60.51 पे। वहीं ओबीसी के लिए ओपन होता है 60.46 पे, क्लोज होता है 60.38 पे। एससी कैटेगरी के लिए ओपन होता है 50.28 पे और एसटी कैटेगरी ओपन होता है 45.22 पे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ओपन होता है 56.30 पे, क्लोज होता है 55.34 पे। ओबीसी ओपन होता है 53.38 पे। एससी कैटेगरी ओपन होता है 52.26 पे और एसटी कैटेगरी ओपन होता है 45.32 पे। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जनरल के लिए ओपन होता है 55.36 पे। ओबीसी ओपन होता है 53.34 पे। एससी कैटेगरी ओपन होता है 43.30 पे। एसटी कैटेगरी ओपन होता है 39.34 पे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जनरल के लिए ओपन होता है 55.57 पे। ओबीसी ओपन होता है 52.38 पे। एससी कैटेगरी ओपन होता है 54.28 पे और एसटी कैटेगरी ओपन होता है 43.22 पे। सिविल इंजीनियरिंग जनरल के लिए ओपन होता है 61.44 पे। ओबीसी के लिए 57.40 पे। एससी कैटेगरी के लिए 49.28 पे। एसटी कैटेगरी के लिए 49.32 पे। माइनिंग इंजीनियरिंग ओपन होता है 53.40 पे। ओबीसी ओपन होता है 51.38 पे और एससी कैटेगरी ओपन होता है 49.28 पे। वही एसटी कैटेगरी 41.28 पे ओपन हो जाता है। और अगर पैकेज की बात करें ये इसी बिलासपुर में, तो एवरेज पैकेज 5 lakh पर एनम का है। वहीं कौन कौन सी कंपनियां विजिट करती हैं तो उसमें से है BSNL, TCS, जस्ट डाइल, और भी छोटी मोटी कंपनियां आती है कैंपस में। ऐसा नहीं कि कैंपस में कंपनियां विजिट ही नहीं करती हैं, कैंपस में कंपनियां आती हैं और आप लोगों को एक डिसेंट पैकेज दे के ही जाती है अगर आप पढ़ने में अच्छा हो या फिर किसी भी तरीके का आपके पास एक्स्ट्रा स्किल प्रेजेंट हो तो।
और इस वीडियो के रिगार्डिंग अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत आ रही हो तो वीडियो में कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करें ना, मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के लिए शेयर करना ना भूलें।